अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पेन के ऊपर, दर्द की अहमियत के ऊपर। हमारे माशरे में दर्द हमेशा एक नेगेटिव चीज़ समझा जाता है, पेन के साथ एक नेगेटिव कोनोटेशन आपको हमेशा मिलता है, और ये बात इतनी सही नहीं है। सीखने का अमल दर्द के साथ स्टेरॉइड्स के ऊपर आ जाता है, इस बात को याद रखिए, मैं वापस कहता हूँ। सीखने का जो अमल है वो दर्द के साथ स्टेरॉइड्स पर आ जाता है, वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाता है। हर चीज़ जो दर्द के साथ आपको मिलती है वो आपकी मेमोरी पे बर्न हो जाती है, उसको फिर आप भुला नहीं सकते। देखिए मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि खुदा ना खास्ता आपका किसी रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए, आप I-8 के पास से गुजर रहे हैं, आप शाहराह फैसल के ऊपर जा रहे हैं, आप अनारकली के पास हैं, आप गुलबर्ग में, आपका एक्सीडेंट हो जाए। अब आप उस रोड के ऊपर रोज़ गाड़ी चलाते हैं और आप उधर से 10,000 दफ़े गुजरे होंगे, लेकिन जिस रोड पे आपका एक्सीडेंट होता है, आप जब भी ज़िंदगी में वापस जाते हैं तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, वो मेमोरी वापस आ जाती है, यू फील अ जिटर इन योर बॉडी, यू नो शिवरिंग होती है थोड़ी सी, तो क्योंकि वहाँ पर एक पेन था, अब वो चीज़ आपकी मेमोरी में बर्न हो गई। और अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली भी देखें, इस्लामिकली भी देखें, हर चीज़ जिसके साथ पेन जुड़ा हुआ है कुदरत उसको याददाश्त को महफूज कर देती है। आप हज की मिसाल ले लें, उमरे की मिसाल ले लें, हम सही करते हैं तो हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा बेटे के लिए पानी ढूंढ रही थी, वो एक पहाड़ी पे गई, दूसरी पहाड़ी पे गई, तीसरी पहाड़ी पे गई, अल्लाह को यदा तकलीफ़ में थी, ज़ाहिर बातें दर्द में थी, अल्लाह को यदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसको उमरे और हज का पार्ट बना दिया। अब हम जब भी जाते हैं हमें सही करनी पड़ती है, उसके बगैर हमारा हज और उमरा मुकम्मल नहीं है। आप तवाफ़ की एग्ज़ाम्पल ले लें, तवाफ़ में शुरू में हम यूँ कंधे उचका के ना उठा के चलते हैं, जब सहाबा कराम आए फ़तेह मक्का के दौर के ऊपर तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप अच्छी तरीके से चलें सीधा तान के, ताकि कुफ़ार को ये ना लगे कि आप कमज़ोर हो गए और आपकी दहशत उनके ऊपर बैठे। अब बताइए, अब तो कोई कुफ़ार नहीं है ना, अब तो मक्का मदीना में हरमैन में किसी गैर मुस्लिम का दाखिला ही अलाउ नहीं है, अब कौन से कुफ़ार हैं। उसके बावजूद वो चीज़ उनकी मुश्किल में पेश आई थी, आज तक हम फॉलो करते हैं। अब नमाज में देख लीजिए, नमाज में हम फजर में किरत करते हैं, मगरिब शाम में करते हैं, जोहर असर जो होती हैं वो सिरी नमाज़ें होती हैं, जहरी नहीं होती, यानी कि हम उसमें जो तिलावत होती है वो खामोशी से करते हैं, ज़ोर से नहीं करते। उस वक्त तो ये रीज़न था कि कुफ़ार थे, कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो आके मारेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, कुछ और करेंगे, अब तो नहीं है, लेकिन वो एक दर्द की सिचुएशन थी, अल्लाह ने उसको कंटिन्यू रखा कुदरत ने, वो आज तक हम उसकी दर्द की याददाश्त मना रहे होते हैं, दर्द की सालगिरह मना रहे होते हैं। एक जगह पढ़ रहा था कि डिलीवरी के वक्त माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसकी जो मोहब्बत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उस तकलीफ़ के, अगर उसको इतनी तकलीफ़ ना हुआ करे तो शायद बच्चे से उसको इतनी मोहब्बत भी ना हो। अब ये बात गलत या सही है, लेकिन जनरली हर वो चीज़ जो आपको दर्द के साथ मिलती है आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है और आपके मेमोरी के साथ चिपक जाती है। वो आपने जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी ना, वो कहते हैं रेग्स टू रिचेज़ वाली जितनी भी होती हैं कि बंदा कुछ भी नहीं था और कहाँ से कहाँ पहुँचा, ये सारे बच्चे वो होते हैं जो बहुत गुरबत में जिन्होंने परवरिश पाई होती है। आप सेरिना विलियम्स को देख लें, उनकी बहन भी है जो टेनिस स्टार है, उसके ऊपर भी रिसेंट एक मूवी भी बड़ी अच्छी आई है। तो ये तमाम के तमाम लोग जो मुश्किल बैकग्राउंड से आते हैं वो बड़े एक्सल कर जाते हैं, और उमूमन हम देखते हैं कि वो बच्चे जो सोने का चमचा लेके मुँह में पैदा होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दर्द को से परेशान ना हो, उनसे मायूस ना हो, उस पर नाशुक्री ना करें। एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दर्द के लम्हात जो अभी आपकी ज़िंदगी में पेश आ रहे हैं ये आपको निखार देंगे, ये आपको, ये वो आग है जो आपको कुंदन बना देगी, ये वो प्रेशर है जो आपको हीरा बना देगा। तो इसको अप्रिशिएट करें और सुकून से बैठें, फ्लोट हों टाइम के साथ, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इम्प्रेशन छोड़ जाएगा, इसको बुरे में कन्वर्ट ना करने दीजिए, कोशिश करें इसको अच्छा रखिए। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोगों की सपोर्ट का, लाइक करने का, कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर ज़िंदगी में किसी भी तरीके से आपके काम आई या आ सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।